हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटिन्यू रखी थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल टॉपिक कंटिन्यू था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आज का एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, एसिडिक मतलब अम्लीय प्रकृति अल्कोहल की। हम अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति के बारे में समझेंगे। अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति कैसी होती है और कैसी होती है, मतलब हम कैसे बता सकते हैं कि अल्कोहल एसिडिक नेचर दर्शाता है। देखो, ऑक्सीजन इन अल्कोहल अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड विद हाइड्रोजन ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। न्यू स्लाइड लिखती हूँ। देखो, अगर हम कार्बन को लें, कार्बन OH, ये लिया कार्बन, ये इसके कार्बन के चार बॉन्ड बना दिए। अब इसमें क्या है, ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन की तुलना में, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जब इस एच पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब है एच प्लस निकल रहा है, और एच प्लस का निकलना ही एसिडिक नेचर को बताता है। एसिडिक नेचर या फिर अम्लीय प्रकृति को बताता है। तो पहले हम पढ़ते हैं उसमें। ऑक्सीजन इन एल्कोहल, एल्कोहल अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड विद हाइड्रोजन ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे मैंने बताया, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, विच लीड्स टू रिलीज एच प्लस, जिससे एच प्लस रिलीज होने की संभावना बढ़ती है एंड एग्जिबिट्स एसिडिक प्रॉपर्टी। और क्या आती है एसिडिक प्रॉपर्टी, अम्लीय प्रकृति आती है। एट द सेम टाइम ऑक्सीजन ऑल्सो अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन causing of there are total two types of reaction in alcohol। तो क्या हुआ है साथ में, ये जो यहाँ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अट्रैक्ट किए। अब क्या होगा साथ में, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से भी ज्यादा है, तो ये कोशिश करेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पर दो प्रकार के, टू टाइप्स के, टू टाइप्स के बॉन्ड ब्रेकिंग की संभावना होती है। कौन कौन से, एक तो ये वाला बॉन्ड टूट सकता है और एक दूसरा वाला, ये वाला बॉन्ड टूट सकता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन विद्युत दृढ़ता कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से ही ज्यादा होती है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अटैक करके दो तरह के बॉन्ड टूटने की संभावना होती है। फर्स्ट हम लिखते हैं पहला, जिसमें कि कौन सा बॉन्ड टूटता है, OH, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक है। सेकंड, दूसरा जिसमें कौन सा बॉन्ड टूटता है, सी कार्बन और ऑक्सीजन भी। तो इस तरह से दो प्रकार की, दो टाइप्स की रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे। देखते हैं, क्या था, कॉजिंग ऑफ देयर आर टोटल टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन एल्कोहल। एल्कोहल में कितने प्रकार की अभिक्रिया होती है, टू टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं। टू टाइप्स की रिएक्शन होती है, कौन सी है, फर्स्ट है एसिडिक रिएक्शन इन विच OH बॉन्ड, देखो मैंने यहाँ पे ये बॉन्ड ये वाला तोड़ा है, जिनमें इन विच OH बॉन्ड ब्रेक्स, जिसमें ये वाला बॉन्ड टूटता है। दूसरी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इन विच सी, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक्स। अब इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहा गया है, उसको देखते हैं। देखो, जब ये कार्बन है, ऑक्सीजन, ये मैंने एल्कोहल बना दिया, मैंने क्या कहा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए, इस पे माइनस आएगा और इस पे प्लस आएगा, तो यहाँ से ये हट गया, हमने इसको हटा दिया, OH को हटा दिया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब
इस कंडीशन में कार्बन पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? जहां पर भी नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये इन पर किसका आक्रमण होगा? नाभिक, इसने जो स्पीसीज, जो भी ग्रुप जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, और पॉजिटिव मतलब कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होगा, और कौन सी अभिक्रिया देगा? नाभिक स्नेही। नाभिक से स्नेह दर्शाने वाली न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं देगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच COH बॉन्ड ब्रेक्स। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पर नेगेटिव आता है, ये अलग हो जाता है, और C+ कार्बन पर प्लस होने के कारण कोई भी नाभिक स्नेही आक्रमण करके अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अब हम सबसे पहले फर्स्ट वाली रिएक्शन पढ़ते हैं, एसिडिक रिएक्शन इन विच OH बॉन्ड ब्रेक। अगर OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो H+ निकलेगा, इसीलिए बोला है एसिडिक रिएक्शन। तो हम सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं एसिडिक रिएक्शन इन विच OH बॉन्ड ब्रेक्स। इन विच OH बॉन्ड ब्रेक्स ड्यू टू द पार्शियल आयनिक नेचर ऑफ OH बॉन्ड दे बिहेव सिमिलर टू वीक एसिड। अब जो जब हम कार्बन, ये वाला कार्बन, ये हमने लिया कार्बन और यहां ले लिया हमने OH। ये जो ड्यू टू द पार्शियल आयनिक नेचर ऑफ OH बॉन्ड, ये जो OH बॉन्ड होता है, ये OH O सिंगल बॉन्ड H, ये पार्शियल आयनिक होता है, मतलब पूरी तरह से आयनिक नहीं होता है। दे बिहेव सिमिलर टू वीक एसिड, वीक एसिड के तरह से बिहेव करते हैं। वीक एसिड मतलब H+ तो निकलेगा, H+ तो निकलेगा, लेकिन उसके लिए हमें कुछ कंडीशन करनी पड़ेगी, तब H+ निकलेगा। तो ये वीक एसिड की तरह बिहेव करेंगे, तब क्या करेंगे? द एल्किल ग्रुप ऑल्सो हैज एन इफेक्ट ऑन देयर एसिडिक स्ट्रेंथ बिकॉज एल्किल ग्रुप हैव प्लस प्लस आई इफेक्ट विच इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑन ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ H+ फ्रॉम OH ग्रुप बिकॉज बिकम्स डिफिकल्ट, दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। क्या बताया गया है? देखो, ये हमने 1 डिग्री लिया, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ठीक है। इसमें से जब अगर हम तीन, इसमें देखो ये वाला CH ये है और ये है, ठीक है। अब देखो ये ऑक्सीजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये क्या करेगा? ऑक्सीजन में यहां बना के दिखाती हूँ, देखो CH3CH2OH, ठीक है। अब क्या करना है? ऑक्सीजन को OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करना है। तो जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तब इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, तब जाके H+ निकल पाएगा, H+ निकल पाएगा, इस पे माइनस आएगा, ठीक है, H+ निकल पाएगा। अगर ऐसा हो कि ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाए, ऑक्सीजन को जरूरत ही नहीं हो इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, तो उस कंडीशन में एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। कैसे? वही देखते हैं। देखो यहां पर ये प्लस आई प्रभाव वाला समूह है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है इसका। तो प्लस आई प्रभाव के कारण क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अटैक नहीं करते हैं, ये अपने से दूर भेजते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स अपने से दूर CH2 की तरफ भेजेंगे, ये CH2, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये इसकी तरफ भेजेंगे। तो ऑक्सीजन पर कि उनको जो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो सेटिस्फाई, ऑक्सीजन सेटिस्फाई होगा कि हाँ उसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। ये वाली कंडीशन है 1 डिग्री, ये कंडीशन किसकी है? 1 डिग्री। अब हम सेकंड देखते हैं, 2 डिग्री। हमने 2 डिग्री लिया, यहां लिया CH3, यहां लिया मैंने CH3 CHOH और यहाँ CH3। वही अब यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने हैं? एक ग्रुप ये है प्लस आई प्रभाव वाला, एक प्लस आई प्रभाव वाला ये है, इसका भी प्लस आई इफेक्ट है, इसका भी प्लस
प्लस आई इफेक्ट है। इसमें सिर्फ एक ग्रुप था जिसका कैसा इफेक्ट था, प्लस आई इफेक्ट। तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी इसकी तुलना में, तो इसमें से एच प्लस निकलने की संभावना इसकी तुलना में क्या होगी, कम होगी। इसकी तुलना में इसमें इलेक्ट्रॉन निकल एच प्लस निकलने की संभावना कम होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलते ही जा रहे हैं, ऑक्सीजन सेटिस्फाई है कि उसको इलेक्ट्रॉन एक तरफ से मिल रहे हैं, ऑक्सीजन चाहता है कि इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आकर्षित हो। अगर इसी तरह से ये 3 डिग्री वाली कंडीशन देखें, तो 3 डिग्री वाली कंडीशन में क्या होगा, इसमें 1, 2, 3 थ्री प्लस आई प्रभाव प्लस आई इफेक्ट वाले समूह जुड़े हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा बढ़ाएंगे, तो अब तो बिल्कुल ना के बराबर चांस है ये एच प्लस को निकाले। तो इसका मतलब है प्लस आई प्रभाव वाले समूहों की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी उसकी अम्लीय प्रकृति उतनी ही क्या होगी, कम। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर प्लस आई प्रभाव वाले ग्रुप्स बढ़ेंगे तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक बार दोबारा सिर्फ रिपीट करते हैं, इसको लिखा है द एल्किल ग्रुप आल्सो हैज एन इफेक्ट ऑन देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। जो एल्किल ग्रुप होते हैं जैसे CH3, यहाँ पे भी CH3 या 3 CH3 या 2 CH3 है, तो द एल्किल ग्रुप आल्सो हैज एन इफेक्ट ऑन देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। एल्किल ग्रुप भी एसिडिक स्ट्रेंथ को प्रभावित करते हैं, बिकॉज एल्किल ग्रुप है प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है विच इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन पे क्या करता है, बढ़ाता है। इसमें थोड़ी कम बढ़ाएगा, इसमें और ज्यादा, और इसमें सबसे ज्यादा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एंड द रिमूवल ऑफ एच प्लस फ्रॉम ओ एच ग्रुप बिकम डिफिकल्ट। तो एच इस वाले 3 डिग्री में एच प्लस के निकलने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है 1 डिग्री की तुलना में। जितने ज्यादा प्लस आई प्रभाव वाले समूह जुड़ते जाएंगे उतनी ही संभावना कम होगी एच प्लस के निकलने की। दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज। जिससे क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, इसीलिए मैंने ये एरो इधर ये लगाए हैं। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है, क्योंकि इसमें प्लस आई प्रभाव वाले समूह ज्यादा है, प्लस आई प्रभाव वाले समूह ज्यादा है, और इसमें प्लस आई प्रभाव वाले समूह कम है, जिसके कारण इसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होती है। इट इज देयरफॉर क्लियर दैट द हायर द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप द ग्रेटर द नंबर ऑफ ग्रुप विद प्लस आई इफेक्ट। जब प्लस आई प्रभाव वाले, जब एल्किल समूहों की संख्या बढ़ती है तो प्लस आई इफेक्ट वाले समूहों की संख्या भी बढ़ती है, जिसका एज अ रिजल्ट, जिससे रिजल्ट क्या आता है, एसिडिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। जिससे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होने लगती है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव वाले समूह की संख्या बढ़ेगी एसिडिक नेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एल्कोहल्स एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी एज फॉलो। तो यहां पर 1 डिग्री 2 डिग्री तो यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के बारे में बताया गया है कि 3 डिग्री में एल्किल ग्रुप ज्यादा है, 2 डिग्री में उससे कम है, और 1 डिग्री में सबसे कम है। इसलिए एसिडिक नेचर 1 डिग्री का सबसे ज्यादा और 3 डिग्री का सबसे कम। अब कुछ एसिडिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट है, एग्जाम्पल ऑफ सच मेजर रिएक्शन आर एज फॉलो। जैसे कि ये है एसिडिक, मतलब एच प्लस को निकालकर जो अभिक्रिया होंगी वही एसिडिक रिएक्शन होगी। तो इसमें क्या होगा, यहां से एच दो एल्कोहल के अणु यूज किए गए, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल्स है, तो दो हाइड्रोजन निकल के H2 के रूप में, और यहां से दो Na जाके यहां जुड़ जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन देखो ROH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे गए तो इस पे माइनस आएगा, और इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो इस आधार पर दो H प्लस निकल जाएंगे। अब हमने ये H प्लस हटा दिए, सिर्फ ऑक्सीजन है और माइनस है, ऐसे ही दो एक और ऑक्सीजन है और एक और माइनस है। अब क्या होगा, Na प्लस और Na प्लस आकर यहां पर अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया हमने, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, तो इसीलिए कौन सा है, एसिडिक। ओके, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विद NaH
एंड एनी एन एस टू सोडामाइड सोडियम हाइड्राइड एंड सोडामाइड द एच टू एंड एन एच थ्री गैसेज एक्सपेल्ड रेस्पेक्टिवली. जब NaH और NaNS2 से अभिक्रिया करवाते हैं तो H2 और NS3 गैस निकलती है. देखो जब हमने C2H5 की अभिक्रिया NaH से करवाई है तो क्या होगा, यहां से H और यहां से भी H, क्या निकल गया H2, क्या बचा Na जाके ऑक्सीजन के साथ, तो इसमें भी OH बॉन्ड टूट रहा है तो क्या बन गया सोडियम एल्कोक्साइड. अब इसमें देखो इसमें भी यहां से NH2 और यहां से H, OH बॉन्ड ही ब्रेक हुआ है, क्या निकल गया NH3, NH3 निकल गया, क्या बचा C2H5O Na सोडियम एल्कोक्साइड. तो इन दोनों ही रिएक्शंस में OH बॉन्ड ब्रेक हुआ है, मतलब एसिडिक नेचर के साथ ये रिएक्शन कंप्लीट हुई है. ओके द नेक्स्ट नेक्स्ट है द एल्कोक्साइड थस फॉर्म आर ऑफ एन इंटेंसली एल्केलाइन नेचर एंड आर यूज इन विलियमसन ईथर सिंथेसिस मेथड. जो एल्कोक्साइड है, जो एल्कोक्साइड बना है इस रिएक्शन में, ये मैंने अभी आपको बताया था यहाँ सोडियम एल्कोक्साइड बना है, ये सोडियम एल्कोक्साइड क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है, एल्केलाइन नेचर को दर्शाता है और विलियमसन ईथर संश्लेषण विधि में ईथर बनाने में यूज किया जाता है. अब फर्स्ट हो गई सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड और सोडामाइड से रिएक्शन. अब इसके बाद सेकंड देखते हैं एसिटिलीकरण, एसिटिलेशन, ये है एसिटिलीकरण. एसिटिलीकरण, अब एसिटिलीकरण में क्या होता है, देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्कोहल. यह एल्कोहल की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है, अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है मतलब एल्कोहल के द्वारा अनिवार्य रूप से दी जाती है, दैट इज एसेंशियल गिवन बाय एल्कोहल. इसका मतलब है ये अनिवार्य रूप से एल्कोहल के द्वारा दी जाती है. इन दिस रिएक्शन एल्कोहल्स रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड. इस रिएक्शन में एल्कोहल किस किस के साथ रिएक्शन करता है, एसिटिल क्लोराइड के साथ और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ. फ्रॉम विच एस्टर आर ऑब्टेन, जिससे हमें क्या मिलते हैं, एस्टर्स बनते हैं, विच हैज अ स्वीट स्मेल लाइक फ्रूट, जिसमें फल के समान अच्छी मधुर गंध आती है. देयर फॉर दिस रिएक्शन इज यूज इन टेस्टिंग एल्कोहल, इसीलिए इसका यूज एल्कोहल के परीक्षण में किया जाता है. अब रिएक्शन में किस किस की अभिक्रिया करवानी है वो देखते हैं, किस किस की अभिक्रिया करवानी है, एल्कोहल की अभिक्रिया करवानी है पहले एसिटिल क्लोराइड से. तो फर्स्ट वाली रिएक्शन देखते हैं, ये है यहाँ ये एच है, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हमने एल्कोहल की अभिक्रिया करवाई, तो सी ज्यादा ओके, ये देखो क्या लिया हमने, C2H5 लिया, C2H5OH प्लस हमें किससे रिएक्शन करवानी है, Cl C डबल बॉन्ड O CH3, ये होता है एसिटिल क्लोराइड. जैसे ही हम इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, मैं इधर लिखती हूँ, हमने क्या लिया, यहां लिया C2H5OH, ओके, प्लस Cl C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये क्या है एसिटिल क्लोराइड. जैसे ही रिएक्शन करवाई क्या निकलेगा, यहां से H और यहां से Cl, HCl निकल जाएगा और ये इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, तो क्या बनेगा C2H5O C डबल बॉन्ड O CH3. तो क्या बना है C2H5, ये क्या बन गया, ये एस्टर, तो वही बना है. यहां से हमें HCl निकालना है, जैसे ही HCl निकलेगा, HCl के निकलने के बाद ये ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा और क्या बना लेगा एस्टर. इसी तरह हमें दूसरा क्या लेना है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3 C डब
CH3, ये सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ और CH3, तो ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। जैसे ही इसके साथ अभिक्रिया करवाई जाएगी, रिएक्शन होगी, तो क्या होगा, CH3 COOH निकलेगा। यहां से H, OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहां से H और यहां से CH3 COO, क्या निकल गया, CH3 COOH, C2H5O और COCH3 यहाँ पर अटैच हो गए, दोनों में ही सेम प्रोडक्ट बनेगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, एसिटिलीकरण। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म के लिए हमने फर्स्ट रिएक्शन ही यूज की है, इसमें एस्टर बनता कैसे है उस मैकेनिज्म को देखते हैं। देखो मैकेनिज्म क्या है, यहां पे क्या लिया है हमने, एसिटिल क्लोराइड और यहां पे लिया है एल्कोहल। देखो इस रिएक्शन में क्या हुआ है, ये CH3 डबल बॉन्ड O है, तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होकर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे, इस पे क्या आएगा माइनस, इस पे क्या आएगा कार्बन पे क्या आ जाएगा प्लस। जैसे ही कार्बन पर प्लस आएगा, जो ROH है जिसमें ऑक्सीजन पर लॉन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन पे जो लॉन पेयर है ये ट्राई करेंगे कि मुझे पॉजिटिव चार्ज मिली, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये माइनस नेगेटिव चार्ज के इक्वल है, तो ये कोशिश करेंगे इस कार्बन के साथ जुड़ने की। तो मैंने ये एरो का साइन लगाया है, ये ऑक्सीजन जाके कार्बन के साथ जुड़ेगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे, तो जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे तो इस पे क्या आ जाएगा माइनस चार्ज, ऑक्सीजन से ये जुड़ गया। देखो यहाँ पे भी एक बॉन्ड आ जाएगा आर और ओ, ये बॉन्ड आ गया। देखो तो क्या हुआ है, CH3 C CH3 C, ऑक्सीजन, अब यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल था, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, और इसके बाद CL CL, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें से CL माइनस को निकालना है हमें, क्योंकि जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड था डबल बॉन्ड, हमें उसे डबल बॉन्ड के रूप में ही बनाना है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड आके यहाँ बॉन्ड फॉर्म करेगा, जैसे यहाँ पे बॉन्ड माइनस है, माइनस दो इलेक्ट्रॉन है और एक बॉन्ड को बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन सफिशियंट होते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों ही बंद बनाने के लिए तैयार हैं, बंद बनाएंगे, जैसे ही यहाँ बॉन्ड फॉर्म होगा तो यहाँ दो तीन चार, ये पांचवा बॉन्ड हो गया। कार्बन कभी पांच बॉन्ड नहीं बनाता है, इसीलिए पांचवा बॉन्ड हमें तोड़ना पड़ेगा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, इस पे माइनस माइनस आ गया और क्या निकल गया, Cl माइनस। जैसे Cl माइनस निकला, ये कंपाउंड मिल गया। अब क्या होगा, अब एक और बात, ये ऑक्सीजन है, इसने पहले ऑलरेडी एक आर एल्किल के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ दो बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड बनाता है और उसके पास दो लोन पेयर होते हैं, जैसे ही थर्ड बॉन्ड बनाएगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसीलिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज दिखाया गया है। ओके, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, अब ये कोशिश करेगा मेरा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, तो कार्बन के साथ तो इसने बॉन्ड बनाया है, अब कोशिश करेगा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड टूट जाए, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे, इस पर आएगा माइनस, इस पे आएगा प्लस, तो क्या निकल जाएगा, यहां से एच प्लस निकल जाएगा। अब इस पे माइनस आया, माइनस प्लस से ये कट गया, तो क्या आएगा, CH3 COOR, क्या बन गया, एस्टर। तो ये हो गई मैकेनिज्म एसिटिलीकरण की, एसिटिलेशन की मैकेनिज्म हो गई। नेक्स्ट है एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण, एस्टरी एस्टरीकरण, एस्टरीकरण क्या होता है, When alcohols are heated in the presence of carboxylic acid, जब हम एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, एस्टर आर देन फॉर्म, तब क्या बनता है, एस्टर बनता है बाई रिमूवल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ H2O, किसके रिमूवल से, एक H2O अणु के निष्कासन से हमें क्या मिलता है, एस्टर मिलता है, दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन।
इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एस्टर बनता है, और एस्टर बनता कब है, एक जल के अणु के निष्कासन के साथ एस्टर का निर्माण होता है, इसीलिए इसे एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज यूज इन टेस्टिंग एल्कोहल, इसीलिए इस रिएक्शन का यूज भी एल्कोहल की टेस्टिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, ये रिएक्शन क्या है वो देखते हैं। हमने क्या कहा, एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है। एल्कोहल को जैसे ही कार्बोक्सिलिक एल्कोहल को जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें OH बॉन्ड ब्रेक करना है, यहां से H प्लस और यहां से OH माइनस, क्या निकल जाएगा, H2O निकल गया। अब क्या बचा, RO, ये ग्रुप जाके इस ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, R डैश CO, CO है इसके पास पहले से, और ये OR जाके यहां पे जुड़ गया, क्या बना ये है एस्टर। अब देखो इसमें एक बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अर्लियर इट वॉज बिलीव दैट इन दिस रिएक्शन एच प्लस ऑफ एसिड्स एंड ओ एच माइनस ऑफ एल्कोहल फॉर्म मोलिक्यूल ऑफ वाटर। पहले ये माना जाता था कि ये जो हम कह रहे हैं ना, यहाँ से एच प्लस निकला है, यहाँ से एच प्लस निकल रहा है और यहाँ से ओ एच माइनस निकल रहा है। पहले माना जाता था कि यहाँ से तो ओ एच माइनस जाता है और यहाँ से एच प्लस निकलता है और तब जाके एक जल का अणु बनता है और एस्टर बनता है। बट लेटर इन ट्रेसर तकनीक यूज करके और आइसोट्रॉपिक ऑक्सीजन यूज करके, आइसोट्रॉपिक ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पे यह है कि चिन्हित ऑक्सीजन की, उस ऑक्सीजन को हम पहचान सकते हैं, आइसोट्रॉपिक ऑक्सीजन को यूज करके इट वॉज डिटरमाइंड, इट वॉज डिटरमाइंड दैट, ये निश्चित किया गया, पता लगाया गया दैट इन दिस रिएक्शन एच प्लस ऑफ एल्कोहल और ओ एच माइनस ऑफ एसिड फॉर्म H2O। तो बाद में पता लगा, पहले मानते थे, पहले ये मानते थे कि यहां से तो क्या गया है ओ एच और यहां से गया है H, और जब जाके H2O बनाए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ से H प्लस निकलता है, यहाँ से OH माइनस निकलता है, तब जाके H2O का निर्माण होता है, जो हमें ट्रेसर टेक्निक से पता लगा। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि एस्टरीफिकेशन में, एस्टरीकरण में होता क्या है, मैकेनिज्म देखते हैं। देखो हमें क्या लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, किस किस की रिएक्शन करवानी है, एक तो हमें लेना है एल्कोहल और दूसरा लेना है हमें कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इन दोनों की रिएक्शन करनी है, मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म में क्या हुआ है। देखो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम इसे बनाएं तो R C डबल बॉन्ड O H, सॉरी ओ एच, ये इस तरह से होता है, इस पे दो लोन पेयर, दो बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं। अब हमें ये रिएक्शन अम्लीय माध्यम में, एसिडिक मीडियम में करवानी पड़ती है, तो क्या होगा, H प्लस किसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के पास, ऑक्सीजन के पास कोशिश करेगा यहां जाने की। जैसे ही ये ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर यहाँ हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ है, इसको थोड़ा इजीली इस ऑक्सीजन पर त्रिम बाधा के कारण, 3D इफेक्ट के कारण इस ऑक्सीजन पर अटैक करना थोड़ा इजी है, इसीलिए वो ये H प्लस जाकर इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा। जैसे ही ऑक्सीजन पर अटैक किया, बॉन्ड बन गया, दो बॉन्ड ये रहे, तीसरा बॉन्ड इसके साथ बनेगा, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, रीजन क्या है आने का, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा दो बंद बनाता है, जैसे यहाँ दो बंद दिख रहे हैं और दो लोन पेयर होते हैं, जैसे ही तीसरा बॉन्ड इसके साथ बनाया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, ऑक्सीजन कोशिश करेगा मेरा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाए, जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे, इस पे क्या आएगा, माइनस, माइनस से प्लस कट गया और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब
हम लेंगे एल्कोहल का अणु। जैसे ही एल्कोहल का अणु लिया, अब आपको दिख रहा है एल्कोहल में ऑक्सीजन पर, यहां पर क्या है, दो लोन पेयर, मतलब इस पर ऋणावेश है और ये धनावेश की तरफ अटैक्ट होगा। कहां पर ये ऑक्सीजन किससे जाके जुड़ेगा, इस कार्बन से। जैसे इसके साथ जुड़ेगा तो आर सी, ऊपर यहां क्या आ गया ओ एच, नीचे भी क्या है ओ एच, यहां क्या जुड़ जाएगा ओ आर, सॉरी यहाँ ओ ऑक्सीजन, एच ये वाला और आर ये वाला, ठीक है। तो क्या जोड़ दिया, यहां देखो ये एल्कोहल का अणु जुड़ गया, ये जोड़ दिया, ठीक है, एल्कोहल का अणु जुड़ गया। अब आगे क्या होगा, अब जैसे ही इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन ने तीन बॉन्ड बनाए हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा है इसमें भी। अब जैसे ही ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन ने तीन बॉन्ड बनाए, कोशिश करेगा तीसरा बॉन्ड टूट जाए, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड टूटा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे, इस पे माइनस, इस पे क्या आएगा प्लस, ये प्लस आएगा इसके माइनस से, इसका प्लस ये कट गया, मतलब इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब हाइड्रोजन पे प्लस आ गया, हाइड्रोजन पे प्लस आते ही हाइड्रोजन ऐसी जगह ढूंढेगा जहां पर उसे नेगेटिव चार्ज मिले, तो पास में इसे ऑक्सीजन मिल जाएगा और इस ऑक्सीजन पर अटैक करके इससे बॉन्ड बना लेगा, तो क्या हो गया OH2 बन गया यहाँ। देखो यहाँ पे क्या बन गया, OH2 बन गया, ठीक है। अब ये जो भी ग्रीन कलर से मैंने प्लस माइनस और बॉन्ड ब्रेकिंग की हुई है, ये बॉन्ड ब्रेक होने के, ब्रेक हुए हैं, जो एक्चुअल कंपाउंड है वो ब्लू कलर के पेन से बनाया हुआ है, ये देखो। अब ऑक्सीजन पे फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन क्या कोशिश करेगा, मेरा पॉजिटिव चार्ज भाई खत्म होना चाहिए, तो क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्ड बनाया है, अब ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आए, इस पे माइनस और कार्बन पे क्या आ गया प्लस, ये दिखाई दे रहा है प्लस, प्लस से जैसे ये माइनस आएगा, ये मैंने पहले ही माइनस ग्रीन से बनाया हुआ है, प्लस से माइनस ये क्या हो गया कट गया, क्या निकलेगा H2O, H2O निकल गया। अब देखो जैसे ये H2O निकल गया, अब यहां देखो, अब यहां से ये H प्लस भी निकलेगा, कैसे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे, इस पे माइनस आएगा और इस पे प्लस आएगा, जो कि मैंने पहले ग्रीन पेन से बनाए हुए हैं, प्लस माइनस आ गया, ये प्लस इस माइनस के साथ यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो यहां क्या बन जाएगा एक डबल बॉन्ड, और यहां से क्या निकल जाएगा H प्लस, तो एक साथ क्या निकल रहा है, एक H प्लस एक H2, H2 यहां से, H प्लस यहां से, तो यहां से तो H2O निकल गया, यहां से क्या निकल गया H प्लस, अब क्या बचा R, यहां पर क्या बन गया डबल बॉन्ड, R C डबल बॉन्ड O O R, R C डबल बॉन्ड O O R, क्या बन गया एस्टर, ठीक है। अब मैं 1 मिनट के लिए, ठीक है, एस्टर बन गया। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद गिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, एल्कोहल फॉर्म एल्कीन्स बाय रिएक्टिंग विद गिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। जब हम ये क्या होता है RMGX, हमने यहाँ R डैश ले लिया है, तो जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है एल्केन बनते हैं, क्या बनते हैं, किसका फॉर्मेशन होता है एल्केन्स का, कैसे होगा, क्योंकि ROH से OH बॉन्ड टूटेगा, एच निकलेगा और यहां से R एल्किल समूह, जैसे R डैश की जगह हमने मान लिया CH3, तो CH3CH को लेके क्या निकल जाएगा CH4, क्या बन गया एल्केन बन गया और ROMG के साथ जुड़ जाएगा, क्या बना लेगा, तो ये हो गई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट जो भी बचा हुआ है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।